हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आदि द साइंस का। और हम लोग इसका सेकेंड पार्ट यूज़ करने शुरू करने जा रहे हैं, ब्रेक स्टोरी का, सेटिंग अगेंस्ट अपलेट प्रेशर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, हमारा पहला पार्ट हो चुका था, उसमें हमने पाइपिंग का निकाला था। पाइपिंग में हमने क्या निकाला था, एल इक्वल्स टू सी एच एल। यहाँ पर सी क्या आपका ब्लेक्स कोफिशियंट, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं सेफ्टी अगेंस्ट अपलेट प्रेशर। तो ये हमारा एक डैम स्ट्रक्चर है और इसका ये फाउंडेशन है, जिसकी थिकनेस कितनी है, टी। कितनी थिकनेस है, टी। और ये किस पे रखा हुआ है, एक परवियस फाउंडेशन के ऊपर, परवियस फाउंडेशन के ऊपर रखा हुआ है। तो अब हम निकालते हैं, यहाँ पर पानी है, ठीक है, पानी है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी आएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आएगी, बिल्कुल आएगी। तो यहाँ पर आपका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, ये मान लीजिए आपको यहाँ पर H है, तो यहाँ पर आपको कितना होगा, गामा डब्ल्यू एच, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, रो जी एच रो डब्ल्यू, और रो डब्ल्यू जी क्या होता है आपका, ये स्पेसिफिक यूनिट वेट, गामा डब्ल्यू। तो ये सबका प्रेशर जो है वो गामा डब्ल्यू एच है। मान लीजिए कोई हाइट H डैश है, ठीक है, हमें H डैश पे निकालना है कि आपका प्रेशर कितना होगा। तो प्रेशर H डैश पे कितना होगा आपका, P इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू एच डैश होगा उस पॉइंट पर प्रेशर। मान लीजिए एच डैश आपका यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा, गामा डब्ल्यू एच डैश। इसी तरह आपका ये जो थिकनेस है फ्लोर की, ये कंक्रीट का मान लीजिए बना हुआ है, ठीक है, अगर ये कंक्रीट का बना हुआ है तो इसका भी कुछ प्रेशर होगा नीचे, डाउनवर्ड प्रेशर। वो डाउनवर्ड प्रेशर निकालते हैं, वो कितना होगा, डाउनवर्ड प्रेशर क्या होता है आपका, इसका गामा सी ले लेंगे, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इंटू कितना इसका थिकनेस, टी। कितनी थिकनेस है इसकी, थिकनेस आपकी है टी। तो अभी गामा सी ये क्या होता है, आप यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है, इस जगह पे जो पी है उसकी वैल्यू है गामा डब्ल्यू जी सी इंटू टी। तो हम यहाँ से प्रूफ करेंगे ये चीज़ आई कहाँ से, ठीक है, ताकि हम लोग ईजी पड़ जाए और हम लोग को ये याद ना करना पड़े कि यही हम लोग डायरेक्ट याद कर लें, इसका हम यहाँ अटैच करते हैं, ठीक है। तो हमें जब वो पता है कि क्या होता, आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, जो हम सब्सटेंस का निकाल रहे हैं उसको हम वाटर के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो आपकी स्पेसिफिक यूनिट वेट है और कंक्रीट, उसको हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वाटर के साथ। यही आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ऑफ द सब्सटेंस या ऑफ द मटेरियल, ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो यहाँ से हम लोग गामा सी की वैल्यू देख सकते हैं कितनी आ जाएगी, गामा सी की वैल्यू हो जाएगी गामा डब्ल्यू इंटू जी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, गामा W इंटू जी सी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट इंटू थिकनेस, ये आ गया आपका प्रेशर, आ गया। अब ये प्रेशर किसके बराबर है, मतलब अपलिफ्ट प्रेशर के बराबर, अपलिफ्ट प्रेशर और ये डाउनवर्ड प्रेशर, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो करते हैं यहाँ पे इक्वल, करें, चलिए, तो गामा डब्ल्यू एच डैश इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू जी सी इंटू टी। यहाँ क्या आपका सेम है, गामा डब्ल्यू, तो यहाँ से यहाँ ये कट गया, एच डैश की कितनी वैल्यू आ गई, जी सी इंटू टी। अब क्या करेंगे हम लोग इस एच डैश में, अब ये टोटल आपका यहाँ से यहाँ का एच डैश है, हमें फ्लोर से ऊपर का एच का निकालना है, ठीक है, ये एच डैश है आपका यहाँ से यहाँ से टोटल का, हमें फ्लोर से ऊपर का निकालना है। तो फ्लोर से ऊपर निकालने के लिए करना पड़ेगा, एच डैश में से हमें थिकनेस घटानी पड़ेगी, एच डैश में से थिकनेस घटाएंगे तभी तो ये आएगा एच, ठीक है। तो करते हैं, एच डैश में से थिकनेस घटाई, यहाँ से थिकनेस घटाई है इस साइड से, तो इस साइड से भी घटानी पड़ेगी, जी सी इंटू टी माइनस टी। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, टी कॉमन, और फिर क्या हो गया, जी सी माइनस वन, ठीक है। यहाँ से आपकी थिकनेस की वैल्यू आ जाएगी, आपकी थिकनेस कितनी होगी, तो थिकनेस होगी आपकी यहाँ पे कितनी होगी, जी एच डैश माइनस टी अपॉन जी सी माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आ गया, अब ये मैंने क्या बताया, ये कितनी वैल्यू आपकी, ये है एच एच अपॉन जी सी माइनस वन, ठीक है, ये यहाँ से आया आपका, कहाँ से, इस जगह से आपका ये एच की वैल्यू आ गई, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। तो फिर अब आपका जो ये जी एच डैश माइनस टी है, ये कौन सा ऑर्डिनेट है, एच ऑर्डिनेट, किसके अबव है, फ्लोर के अबव, ठीक है।
और आपका ये जो है ये क्या है, जी सी माइनस वन, ये है सबमर्ज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ द फ्लो मटेरियल। क्या है ये? सबमर्ज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लो मटेरियल। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया यहाँ पर ब्लिक्स थ्योरी। ये दोनों पार्ट हमने फेल चोरी के कर लिए, ये दोनों आपके फेलियर से हम लोग बचने कैसा है। इसके बाद आती है आपकी लेंस थ्योरी। अब हम क्या करेंगे, लेंस थ्योरी, लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी। इस थ्योरी में आपको कुछ नहीं करना है। लेंस ने क्या किया था कि 200 डैम के ऊपर उसने 200 डैम के ऊपर उसने पूरा के एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद उसने पाया कि जो आपका हॉरिजॉन्टल क्रीप होता है, हॉरिजॉन्टल क्रीप क्या था, जैसे हमें पता हो कि उसमें ब्लिक्स थ्योरी में वर्टिकल कट ऑफ थे, ठीक है, वर्टिकल कट ऑफ में उसने इस तरह से कुछ आपका कंटूर में वाटर आपका फॉलो करता है, ठीक है, इस तरह से जाएगा आपका, और इस तरह से जाने के बाद उसने सारी लेंथ, इसकी लेंथ ऑफ क्रीप कैसे निकाली थी, इन सब की प्लस कर दी थी। अगर डी वन आपको याद हो, जो डी वन है, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ डी वन प्लस ट्वाइस ऑफ डी टू प्लस ट्वाइस ऑफ डी थ्री, वही एल वन यहाँ से, वही एल वन एल टू प्लस एल वन प्लस एल टू। तो इसी के इसमें इसने कहा, लेंस ने कहा कि जो इसने ये एल वन एल टू लिया, ये ऐसे ऐड नहीं होंगे, इसमें एक वेटेज फैक्टर लगेगा 1/3 का, 1/3 ऑफ एल वन होगा और 1/3 ऑफ एल टू होगा, बाकी सब सेम रहेगा उसी के तरह। तो इसने अपने इसका नाम दिया लेंस क्रीप लेंथ, ठीक है, और इसको बोला एल एल, और इसकी वैल्यू उसने निकाली। एल एल की वैल्यू कितनी निकाली, वही यहाँ पर काम करना है, डी वन प्लस डी वन प्लस 1/3, बस यहाँ पर चेंज का आएगा 1/3 ऑफ एल वन, वहां पर सिर्फ एल वन था, यहाँ पर 1/3 ऑफ एल वन, यहाँ पर वेटेज फैक्टर कितने का लगा है, 1/3 का, प्लस ट्वाइस ऑफ डी टू लिख देता हूँ, प्लस 1/3 एल टू प्लस ट्वाइस ऑफ डी थ्री, डी थ्री डी टू और ये डी वन, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। अब इससे इसने एल एल की वैल्यू कितनी निकाल दी, 1/3 एल वन प्लस एल टू, बाकी ट्वाइस ऑफ डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, ये। लेकिन इसके बाद इसने वही अपने वो जैसे इसमें पाइपिंग के लिए उसने फेलियर के निकाला था कि जो एल एल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे इसने बताई सी वन एच वन एच एल, और सी वन यहाँ पर क्या है, जैसे वहां पर ब्लिक्स कॉफिशियंट था, यहाँ पर कॉफिशियंट कौन सा कॉफिशियंट होगा, लेंस कॉफिशियंट, ठीक है, ये आपका लेंस कॉफिशियंट है, ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि लेंस थ्योरी हम प्रैक्टिकली कहीं यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि लेंस थ्योरी इज प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली नो वेयर यूज, ठीक है, एंड इज हैविंग ओनली अ थियोरेटिकल इम्पोर्टेंस, और इसका सिर्फ थियोरेटिकल इम्पोर्टेंस है, इसलिए बस इसको पढ़ लिया जाता है। बाकी अभी भी हम लोग ब्लिक्स थ्योरी और खोसला थ्योरी को यूज़ करते हैं, और खोसला थ्योरी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, इसको मैं सीधे न्यूमेरिकल से शुरुआत करूंगा, ठीक है, ताकि हम लोग एक न्यूमेरिकल भी लगा लें और इसको भी ख़त्म कर लें। थैंक यू।